ये है हमारे लड़की श्लोक। और हम लोग तीनों यहाँ हंगया सब्जी तोड़ने आए हैं। देखो ना इतना और सारा गाइस है। मैं आपको दिखाऊंगी हंगया सब्जी क्या को बोलता है। सो देखिएगा हंगया सब्जी, इसको हम लोग चटनी में खाते हाँ हैं। बहुत टेस्टी होता है इसको। हम होली बना के खाते हैं, जो कि हम हमेशा होली यही से हमें बना के खाते हैं। तो अभी हम तीनों तोड़ेगा इसको, बाद में होली बना के खाने के लिए। ये बहुत टेस्टी होता है, इसका बहुत बेनिफिट्स है इसका। काइंड ऑफ ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसको मेडिसिन प्लांट कुछ बोलते हैं क्या ऐसा। इससे बहुत टेस्टी है यहाँ मिमी के साथ और भी टेस्ट होता है। अभी हम लोग तोड़ेंगे, आप देखते रहिएगा। ये मेरी सुंदर लड़की तोड़ रहा है। ऐसे नहीं तोड़ना है, पता पता नहीं तोड़ना है दोस्त। उधर है कैसे? हाँ ऐसे नहीं से अच्छा होता है, लंबा लंबा से। मीना देखो हम बताओ, तुम ना तोड़ के मत ले जाओ, देखो तोड़ के भी ले जाओ। हाँ, रूद भी तुम ले जाओ घर में भैया को, अपने दो इसका आराम से खाते रहो, क्योंकि ये तो उतते ही है। तो पर हम लोग वहाँ में इतना भयानक से नहीं उठते ना, यहाँ तो सतहदा सीजन है तो सब बहुत अच्छे से उठ जाते हैं। इतना ज़्यादा है देखो ना, नहीं उठेगा ना, प्यार हो गया। तो गाइस देखो आप देख सकते हैं। और इसको हम लोग बाजार में खरीद के खाते हैं, जो कि जीरो में बहुत सारा अवेलेबल है, पेडीफिल में भी है, और इससे नॉर्मल जगह में भी निकलते हैं यहाँ में। और हम लोग ईटानगर कैपिटल में हम लोग इसको खरीद के खाना पड़ता है। इसका शायद एक मुट्ठी का कितना 50 रुपया बेचते हैं क्या वो लोग, जो ऐसे कर बेचते। तो हम भी सोच रहे बिजनेस करूँ कि यहाँ से तोड़ के वहाँ में भेजेगा। आई जस्ट किडिंग, इतना तो मेरा वो नहीं है, पर बहुत मोटा मोटा है। टेस्टी देख रहे हैं सब, देख सकते हैं। देखो बैग बुक के तोड़ रही है सब्जी दोस्त, लंबा लंबा। ये अंदर में लंबा लंबा ला, उसको तोड़ो ना, ये अंदर साइड में। वो छोटा छोटा वाला को छोड़ दो, वो जो कटने के लिए तो तकलीफ होगा। अया ये तो हम लोग हॉस्टल के सामने में निकल है। हाय आपा, आपा को भी बुला लिया, पर जोश दिला दिया हम तोड़ने के लिए इसको। तुमको मालूम नहीं था क्या मीना? नहीं इसमें है बोल के पता नहीं था ये एरिया में है बोल के, क्योंकि ये एरिया जो साफ भी है ना तोड़ने लायक ही है। इतना सारा है, बहुत सफा है ना ये। देखो उस वो पूरा ये जो सब एरिया में है सब्जी, जो ऐसे वाला जो मोटा मोटा सा, इतना फ्रेश है गैस। आप उसको बिना धो के भी खा सकते हैं, बहुत फ्रेश है। अभी हम लोग तोड़ के उसके बाद मिमी खरीदेगा। हाँ होली खाने से पैसा बहुत खर्चा होता है, मिमी खरीदना होता है, पेप्सी खरीदना होता है, इस सो एक्सपेंसिव ना। फिर खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर भी हम लोग खाएंगे आज। अभी छुट्टी होने का आपा अगर होली खाएगा ना है नहीं, हम लोग तुम मत जाता रहे जाओ दे, सबको भी बुलाएगा। बहुत डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा। और इसको ये इसको क्या क्या साथ मिला के खा सकते हैं? इसको आप ना चटनी चटनी बना के खा सकते हैं, लाइक मिर्चा ये सब मिला के। एंड इसको आप मिमी ये सब के साथ भी मिला के खा सकते हैं, और ऐसे ही कच्चा में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, जैसे भी बना के खाओ टेस्टी ही होता है। सूखा मांस का भी साथ अच्छा होता है ना ये जो खाने के लिए, बहुत टेस्टी है। गाइस आज का वीडियो तो यही है, आपको हम दिखाऊंगी हम जब होली बना के खाएगा तो। हम यहाँ से अभी घुसने वाला था, मेरा आधा पैर ये पूरा पैर घुस गया था अभी। और है नहीं देखो ये लड़की हमको बचाने का जगह में पूरा भाग गया इस फुल स्पीड से, ओ उधर चला गया भाग के। और ये एक तो हंस के बैठे है पूरा सब्जी में कॉन्सेंट्रेट, दोस्त मर रहे वो भी पता नहीं चल रहा है। चलो सब्जी इतना इम्पोर्टेंट हमसे भी ज़्यादा। आगे जो हंगया तोड़ा था तो हम उसका भी होली बना रहे हैं, मिमी मिलाया है इसमें। और उसके बाद टोमेटो भी है, प्याज, और इसके बाद आपको यहाँ में ड्राई वाला चिल्ली का पाउडर डालना है। और उसके बाद हम लोग इसको भी खाएंगे पेप्सी के साथ, बहुत टेस्टी होता है।